लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शनिवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री और अमित शाह रहे मौजूद। यूपी के उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बीजेपी की अहम बैठक आज, अमित शाह के घर पर शाम में होगी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे मौजूद। प्रयागराज में गंगा यात्रा के लिए प्रियंका को शर्तों के साथ मिली मंजूरी। प्रयागराज की सीमा में 9 घंटे तक होगी प्रियंका की स्टीमर यात्रा। 18 मार्च को प्रयागराज और 20 को प्रियंका का वाराणसी दौरा। गोवा में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। बीजेपी विधायक के बाद सरकार के अल्पमत में होने का दावा। बीजेपी ने कहा सरकार के पास पूर्ण बहुमत। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा देश से गरीबी दूर करना चाहते हैं मोदी, दुनिया के हर देश से रखना चाहते हैं दोस्ती। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुए आतंकी हमले में 5 भारतीयों की मौत की खबर। न्यूजीलैंड सरकार के संपर्क में भारत सरकार। 2 मस्जिदों पर हुए हमले में 50 लोगों की जान गई। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के लिए चुनाव आयोग ने तय की समय सीमा। प्रचार थमने के बाद घोषणा पत्र जारी करने पर रोक, पहले कभी जारी भी कर सकते थे मैनिफेस्टो। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की चुनाव के दौरान खुद का प्रोटोकॉल हटाने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखी चिट्ठी, कहा प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके की मस्जिदों में पर्यवेक्षक तैनात करने की बीजेपी की मांग। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी पर लगाया धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के चुनावी भाषण को बताया फर्जी, कहा राहुल के भाषण में सिर्फ रफाल, नीरव और बालाकोट का झूठ शामिल।